हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो आज बात करने वाले हैं भाई आप लोगों की दो फेवरेट कार्स के बारे में, जो कि हो जाती है भाई एग्जिस्टिंग कार जो रूल कर रही है इंडस्ट्री को, हुंडई क्रेटा, और साथ ही में जो न्यू हैवीवेट चैंपियन आई है मार्केट में, टाटा कर्व। आपको पता है कि टाटा कर्व ईवी के बाद अब आईसी वेरिएंट्स भी आ चुके हैं, विच इज पेट्रोल एंड डीजल। और मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि यार टाटा कर्व और साथ ही में हुंडई क्रेटा को कंपेयर करो, भाई बताओ कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरफ जाएं किस तरफ नहीं जाएं, अपने कुछ विचार रखो, अपने कुछ इनपुट्स रखो। मुझे कमेंट XUV 3XO और टाटा कर्व के लिए भी आ रहे थे, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुकी है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भाई टाटा कर्व की तरफ जाएं या फिर हुंडई क्रेटा की तरफ। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों टाटा कर्व इज अ कूप एसयूवी। अब कूप कूपे एक ही बात है, आपका जो मन करे वो कह सकते हो। सो कूप एसयूवी बेसिकली क्या होती है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर या कुछ नया नहीं होता है। बेसिकली जो एक्सटीरियर होता है, जो कार की बॉडी होती है, उसकी जो शेपिंग होती है, वो थोड़ी पीछे से रिक्लाइन करती हुई डाउन साइड स्लोप आता है। सो फॉर एग्जांपल अगर क्रेटा है, क्रेटा को जिस दिन हुंडई ने भाई काट पीट के थोड़ा सा डाउनवर्ड्स डिजाइन कर दिया, तो उसको भी आप कूप कह सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई नई बात आ गई है, इट इज जस्ट द डिजाइन। आई एम रिपीटिंग, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मेजर फर्क क्या होता है कूप एसयूवी वर्सेस नॉर्मल एसयूवी। सो कुछ मेजर नहीं होता है दोस्तों, खाली डिजाइनिंग का फर्क होता है, और उससे ये होता है कि जो कार की लुक्स है, कार की रोड प्रेजेंस है, वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाती है। और अभी तक देखा जाए तो मार्केट में टाटा कर्व सेकंड कूप एसयूवी है, हालांकि फर्स्ट होनी चाहिए थी, पर सिट्रन ने बहुत चालाकी से पहले बसाल्ट को लॉन्च कर दिया। तो पहली कूप एसयूवी है आपकी बसाल्ट एंड सेकंड है टाटा कर्व, बाकी किसी ब्रांड के पास कूप एसयूवी नहीं है। दोस्तों ऑन दी अदर साइड यहाँ पे हुंडई क्रेटा। अब देखो हुंडई क्रेटा ना कार नहीं है यार, आज के डेट में जिस तरीके से मैं लोगों का प्यार देखता हूँ क्रेटा के लिए, आई फील लाइक कि वो एक मोर ऑफ अ इमोशन है। लाइक इट्स लाइक बंदों को भाई खरीदनी है, कुछ ऐसे दीवाने हैं क्रेटा के कि भाई क्रेटा ही लेनी है तो क्रेटा ही लेनी है। और काफी समय से भाई क्रेटा का जो सेल्स का ग्राफ है ना, वो टॉप पर ही है। क्रेटा के आप कोई भी वेरियंट देख लो, जो फर्स्ट वाली क्रेटा थी, सेकंड वाली और जो लेटेस्ट वाली क्रेटा है, तीनों क्रेटा भाई इक्वली सेल हो रही है। और जो नई क्रेटा आई थी, शुरू में लोगों ने कहा कि भाई अच्छी नहीं लग रही, अजीब सा डिजाइन है, पर लोगों ने भाई नई वाली क्रेटा को भी एक्सेप्ट कर लिया है और अब इसकी सेल्स दबा के हो रही है। अगर आप इन दोनों कार्स के बीच में कंफ्यूज हो तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कार की सेफ्टी से, क्योंकि सेफ्टी के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है। सो एग्जिस्टिंग प्लेयर से स्टार्ट करते हैं, जहां पे आती है हुंडई क्रेटा। अब ग्लोबल एनकैप में जब इसका लास्ट बार टेस्ट हुआ था, तो उस समय इसको ग्लोबल एनकैप से 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आई थी। अब हालांकि ये पुराने नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आई थी, अब यानी कि अगर आज की डेट में क्रेटा को टेस्ट कराया जाए तो क्रेटा में भी कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर एनहांस हुए हैं, तो हो सकता है कि वो दोबारा से 3 या 4 ले आए। पर टू बी ऑनेस्ट 5 के लिए कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कंपैरेटिवली अगर आप इसका जो दूसरा कंपटीशन है टाटा कर्व उसकी बात करते हो, तो वहां पर एक बार को 5 स्टार बोला जा सकता है। उसका रीजन ये है कि जो टाटा की प्रीवियस हिस्ट्री है, चाहे आप टाटा की नेक्सॉन देख लो, टाटा की पंच देख लो, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, सो टाटा के पोर्टफोलियो में जो मेजोरिटी ऑफ द कार्स है भाई, वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार्स ही हैं। तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि अगर टाटा ने कर्व को लाया है यहाँ पे, तो उसमें भी डेफिनेटली भाई 5 स्टार सेफ्टी का जुगाड़ तो कर दिया होगा, प्रबंध तो कर दिया होगा। सो अभी टेस्ट तो कर्व का भी नहीं हुआ है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सेफ्टी के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में, टाटा कर्व डेफिनेटली क्रेटा से ऊपर स्टैंड करती है। पर दोस्तों किसी भी कार का खरीदना या फिर ज्यादा बिकना खाली सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर नहीं होता है, बाकी और कई सारे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पर जनरल सेंस में जो सेफ्टी, अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे कर्व की ज्यादा अच्छी लगी। दोनों कार्स के अंदर आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। अगर मैं बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करूं, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि दोनों कार्स में इक्वल सेफ्टी फीचर्स आते हैं। एडैस सूट भी दोनों कार्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप टॉप वेरिएंट्स या हायर वेरिएंट्स की तरफ जाएंगे, तो भाई आपको एडैस भी मिल जाएगा। अगर आप लोअर वेरिएंट्स में हैं, तो बेसिक आजकल जो सेफ्टी फीचर चल रहे हैं, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर आपका हिल असिस्ट, तो ये सारे बेसिक चीजें तो आइसोफिक्स वगैरह आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब दोस्तों क्रेटा में एक एडवांटेज आपको और है सेफ्टी पैरामीटर में, कि आपको 4 डिस्क ब्रेक बेस मॉडल से ही देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कार के इंजन के बारे में। आपको पता है अगर कोई भी कार हिट होती है, टॉप सेलर बनती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले करता है, वो उस कार का इंजन प्ले करता है। क्योंकि जो कार की जो सेलिंग होती है ना, जो कार की सेल्स हिस्ट्री बनती है, वो वर्ड ऑफ माउथ से भी बनती है कहीं ना कहीं। यानी कि कई कार्स ऐसी हैं जो शुरू में काफी बिकती हैं, पर धीरे धीरे उनका ग्राफ नीचे जाने लग जाता है। उसका रीजन ये होता है कि जो लोग उन कार्स को खरीदते हैं ना, वो बाद में उन कार्स की बुराई करते हैं। शुरू में वो किसी दबाव से या फिर कोई एक हवा चली होती है, तो उस हवा में वो कार को ले लेते हैं, पर लॉन्गर रन में कई सारे पैरामीटर्स के अंडर वो उस कार को पसंद नहीं करते। अब अगर हम क्रेटा की बात करें ना, तो क्रेटा का जो वर्ड ऑफ माउथ है बहुत अच्छा है। अब बिल्ड क्वालिटी एक अलग बात है, सेफ्टी एक अलग बात है, और उसके अलावा भी कई चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग डायनामिक्स, इंजन की क्वालिटी, जो एक राइडिंग क्वालिटी होती है, सस्पेंशन होता है, कार की माइलेज होती है। सो आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पर अगर हम दोनों कार्स के बारे में बात करें, दोनों ही कार्स में आपको
तीन इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर हम क्रेटा से स्टार्ट करें तो 1.5 लीटर का एनए इंजन आपको देखने को मिलता है, 1.5 लीटर का पेट्रोल टर्बो इंजन भी आपको देखने को मिलता है, और 1.5 लीटर का आपको डीजल इंजन देखने को भी मिलता है। अगर हम बात करें टाटा कर्व की, तो यहाँ पे भी तीन इंजन है, 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन जो नेक्सॉन में इंजन आता है वही सेम इंजन आपको मिलता है, विच इज अ थ्री सिलेंडर इंजन। दूसरा 1.2 लीटर का हाइपीरियन इंजन जीडीए वाला आता है, विच इज अगेन अ थ्री सिलेंडर इंजन, और साथ ही में आपको एक 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन मिलता है, विच इज अ डीजल इंजन। तो क्रेटा के जो सारे इंजन है वो फोर सिलेंडर इंजन है, और अगर मैं टाटा कर्व की बात करूं तो पेट्रोल इंजन जो है वो थ्री सिलेंडर है और डीजल फोर सिलेंडर इंजन है। सो मेरे ओपिनियन में दोस्तों, अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो इंजन पे बहुत ज्यादा टेंशन पे करते हो, आपको एक बहुत पैपी इंजन चाहिए और आपको बहुत काम शांत स्वभाव का इंजन चाहिए, आपको जीरो वाइब्रेशन इंजन चाहिए, तो उस केस में आपकी चॉइस जो है वो क्रेटा का कोई भी इंजन हो सकता है। और साथ ही में अगर आप कर्व की तरफ जाना चाहते हो, आपको साइलेंट स्मूथ इंजन चाहिए, तो आप जीडीए इंजन जो है हाइपीरियन या फिर टाटा का जो डीजल इंजन है उस तरफ जा सकते हो। पर अगर आपको एक लॉन्ग लाइफ इंजन चाहिए विदाउट एनी क्वेश्चन नथिंग, आपको एक लो मेंटेनेंस लॉन्ग लाइफ साथ निभाने वाला इंजन चाहिए, तो उस केस में मैं क्रेटा का सिर्फ 1.5 एनए इंजन आपको रेकमेंड करूंगा। क्योंकि देखो यहां पे मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं, डीजल की बात मैं नहीं कर रहा, लॉन्ग लाइफ की तो मैं क्या कमिटमेंट करूं भाई, डीजल पे वैसे ही खतरों के बादल मंडराए हुए हैं। पर अगर आप पेट्रोल एनए इंजन क्रेटा का लेते हो तो लॉन्ग रन में आपका काफी ज्यादा साथ निभाने वाला है। दोस्तों आपने नोटिस करा होगा कि क्रेटा का कोई भी वेरियंट अगर आप देखते हो ना, सबसे पुराना वाला, बीच वाला और लेटेस्ट, आपको तीनों वेरियंट रोड पर चलते हुए नजर आएंगे। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो क्रेटा की इंजन लाइफ है वो काफी सही है, कार की जो मेंटेनेंस है उतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती है। अब देखो जो टर्बो इंजन है क्रेटा का, उसमें थोड़ा सा आपको खर्चा एक्स्ट्रा पड़ सकता है लॉन्गर रन में, वो भी हालांकि उसका फीडबैक अच्छा है, पर टर्बो इंजन की जो मेंटेनेंस है स्लाइटली ज्यादा होती है, तो क्रेटा का 1.5 एनए इंजन आपको ज्यादा हेल्प करेगा। पर अगर आप पावर के शौकीन हो तो मैं आपको बता दूं हाइपीरियन में बहुत अच्छी पावर आ रही है, तो डेफिनेटली आप टाटा कर्व का हाइपीरियन इंजन उसकी तरफ भी जा सकते हो, विच इज अगेन एन अमेजिंग चॉइस। अब दोस्तों टाटा के डीजल इंजन में ना एक नई चीज हुई है जो अभी तक नहीं होता था, फर्स्ट टाइम आपको डीजल इंजन में ना डीसीटी ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, जो आपको किसी और कार में देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बाकी ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको भाई मैनुअल और सीवीटी ऑप्शन मिलते हैं क्रेटा में, और डीसीटी जिसको डीसीए भी बोलते हैं और मैनुअल आपको कर्व में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप मुझसे कोई क्विक क्वेश्चन करते हो कि यार तुम बताओ कि तुम कौन सा इंजन लोगे, कौन सी कार लोगे, तो टू बी ऑनेस्ट यार देखो अभी कर्व रोड पे आई नहीं है, सो ये कह पाना कि भाई इसका जो हाइपीरियन इंजन है वो कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि डीजल मैंने चलाया हुआ है इनका, अब उसमें भी थोड़े से उन्होंने रिफाइनमेंट करे हैं, पर जो कर्व में नेक्सॉन का रेवोट्रॉन इंजन आता है उसको मैंने काफी चलाया है, तो उसको मैं इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। अदरवाइज अगर आपको बहुत अर्जेंटली खरीदनी है, आपके पास वक्त नहीं है, तो रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो, बहुत मेहनत की कमाई है, तो क्रेटा कैन बी अ गुड ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे कारण ये है कि क्रेटा कई सालों से बिक रही है, उसका जो इंजन है एक जस्टिफाइड इंजन है, लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज हैं। अगर आपको टाटा कर्व ही लेनी है तो मैं आपका माइंड डाइवर्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, उसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मैं आपको ये दूंगा कि 2-3 महीने रुकने की कोशिश कीजिए, लेट पीपल बाय इट, जब लोग खरीदेंगे उसको चलाएंगे तो जो भी कमी पेशियां हैं निकल कर आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना मन बनाइएगा और कार को खरीद लीजिएगा। पर ध्यान रहे कि दोनों कार की जो प्राइसिंग है, अभी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही टाटा कर्व के प्राइसेस कम है, क्योंकि क्रेटा से अगर आप प्राइस कंपेयर करते हो फिलहाल 80,000 से लाख रुपए तक आपको जो है क्रेटा महंगी पड़ रही है, पर जैसे ही ये जो लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफर है कर्व का वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, आई मीन नियर टू क्रेटा ही पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक तरह का बंबू लटक रहा है कि भाई अभी लूं या नहीं लूं। सो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, आपको जो रिस्क टॉलरेंस है उसके अकॉर्डिंगली फैसला ले लेना। और अगर लेना ही है और कर्व ही लेना है, आपका बजट ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो मैं भाई हाइपीरियन की तरफ जाता, टू बी ऑनेस्ट, मैं ना डीजल लेता ना मैं रेवोट्रॉन लेता, डीजल पे भी खतरों के बादल मंडरा रहे हैं, और रेवोट्रॉन इंजन ही लेना है तो ज्यादा पैसे क्यों लगाने, वो तो आप नेक्सॉन में भी ले सकते थे। सो ये आप देख लेना, सब्जेक्टिव है। अगर आपको कर्व के लुक बहुत पसंद है, बजट कम है, कर्व ही लेनी है, तो भाई एक बार को आप रेवोट्रॉन ले लो, कोई इशू नहीं है, फिर तो आपकी पर्सनल चॉइस। तो दोस्तों सेफ्टी और इंजन की बात करने के बाद हम दोनों कार्स के डायमेंशन को कंपेयर कर लेते हैं। अभी जो दोनों ही कार्स है 4300 mm की कार है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कूप एसयूवी होती है, कूपे बेसिकली वो कुछ नहीं होता है, एक तरीके का स्लोप बन जाता है, कट बन जाता है एसयूवी में, और वो एक तरह का एक यूनिक प्रेजेंस कार की ऐड करता है, एक नई चीज को डिफाइन करता है, एक बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल पहले हैचबैक थी, फिर माइक्रो एसयूवी आई, फिर मिड साइज एसयूवी आई, कॉम्पैक्ट एसयूवी आई, वैसे ही अब कूपे एसयूवी आई है। तो अगर आपको डिजाइन पसंद आता है, सो अदरवाइज डायमेंशन में कोई खासा चेंजेस नहीं है। पर हाँ अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ, तो वहां पे टाटा कर्व की ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm है, वो आपको ज्यादा मिलती है, जबकि क्रेटा की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm है। अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं तो यहाँ पर कुछ मेजर डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला, पर अगर मैं बूट स्पेस की तरफ दोबारा नजर लगाता हूं तो भाई मैं रियलाइज करता हूं कि कर्व का बूट स्पेस भाई बहुत शानदार है, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा।
अगर आप इसकी सीट्स को पूरा लिटा दो तो 940 लीटर भी बन जाता है। तो अगर आप बहुत तगड़े वाले ट्रैवलर हो भाई, सब कुछ साइकिल सामान टेंट वेंट लेके घूमना चाहो दो लोगों के साथ, तो टाटा कर्व शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। दोस्तों नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू की बात कर लेते हैं, जिसके क्वेश्चन मुझे अक्सर आते रहते हैं कि आप टाटा वर्सेस हुंडई की किसकी कस्टमर सर्विस को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। टू बी ऑनेस्ट देखो, मुझे हुंडई की सर्विस स्लाइटली बेटर लगती है अगर मैं उसको टाटा से कंपेयर करता हूं तो। काफी अच्छे मैनरफुल तरीके से लोग बात करते हैं, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो या फिर जो टाइमिंग होती है सर्विस की बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो सर्विस के मामले में तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे हुंडई को ऊपर रखूंगा, पर अगर मैं दोनों कार की पार्ट की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट यानी कि जो खर्चा होता है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो कहीं ज्यादा इतना मैटर नहीं करता है। दोनों ही कार्स मिड साइज एसयूवी हैं, तो सिमिलर कॉस्ट ही आपको पड़ने वाली है। टाटा कर्व की जो रियल लाइफ माइलेज है जब लोग चलाएंगे, क्योंकि देखो यूट्यूब पे तो आ रहे हैं जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं, पर उसको आप लोगों को बता देना सही नहीं होगा। आई एम वेटिंग कि जो ओरिजिनल कार रिव्यूज आएंगे लोगों के लेने के बाद, उसके बाद एक्चुअल में पता चलेगा कि रियलिस्टिक टाटा कर्व की माइलेज क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे काफी आता रहता है कि भाई रीसेल के हिसाब से कार कैसे चूज करें, इन दोनों में कौन से अच्छी हो सकती है। तो अभी ऑलरेडी जो क्रेटा की रीसेल मार्केट है काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि क्रेटा की सेल ज्यादा है, क्रेटा की डिमांड ज्यादा है, तो यहाँ पर क्लियर विनर क्रेटा ही है। टाटा कर्व की रीसेल मार्केट बनेगी, अभी बनी नहीं है, अभी तो रोड पर आएगी, फिर इसके रिव्यूज आएंगे। अब टू बी ऑनेस्ट मैं कोई रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस जो है सेट नहीं करना चाहता। अगर आप टाटा नेक्सॉन की रीसेल को कंपेयर करते हो बाकी कार से, फॉर एग्जांपल ब्रेजा से या फिर हुंडई वेन्यू से, तो टाटा की नेक्सॉन जो है स्लाइटली अच्छी नहीं है। हो सकता है कि भाई कर्व की बहुत अच्छी हो जाए क्योंकि इसमें तीन इंजन ऑप्शन है, बट वो आने वाला समय बताएगा। पर अगर आपको क्लियर कट आंसर चाहिए कि करंट ड्यूरेशन में 2024 के एंड में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इस ड्यूरेशन में जो ज्यादा अच्छी रीसेल आपको मिलेगी वो क्रेटा की मिलेगी। ज्यादा जो ड्यूरेबल, जो ऑनेस्ट और जस्टिफाइड इंजन के रिव्यूज आते हैं या फिर जो कार का ओनरशिप आता है वो क्रेटा का निकल कर आता है। कर्व का आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं टाइमली आपको अपडेट करता रहूंगा। कोई भी बायस रिव्यू नहीं होगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। जैसे जैसे कर्व का डेटा कलेक्ट होता जाएगा हमारे पास, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऑथेंटिक न्यूज हम आपको देते रहे। दोस्तों अगर लास्ट में बात करें कार के फीचर्स की, तो दोनों ही कार की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, चाहे एडास हो, एयर प्यूरीफायर हो, दोनों कार्स में ना भर भर के फीचर दिए हुए हैं। अब आपके ऊपर है, आपके पास जितना पैसा है आप लगाइए, हार्डली ऐसा कोई फीचर है जो आपको नहीं मिलेगा, अदरवाइज सारे फीचर्स दोनों कार्स में अवेलेबल हैं। अब किसी एक आध फीचर के लिए किसी एक कार को क्रिटिसाइज करना विल नॉट बी अ लॉजिकल थिंग। तो मेरे अकॉर्डिंगली भाई मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं वो दोनों कार्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कर्व लें या फिर क्रेटा लें। देखो अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, भाई बहुत मेहनत का पैसा है, मुझे सरदर्द नहीं चाहिए और मुझको एक जस्टिफाइड कार चाहिए जिसके इंजन की लाइफ अच्छी हो, तो आप क्रेटा की तरफ चले जाओ क्योंकि वहां पे आपको रीसेल भी मिल जाएगी। अगर आप एक टाटा लवर हो, आप टाटा की कार ही लेना चाहते हो, आपने कभी भी नेक्सॉन नहीं चलाई थी इससे पहले, तो आप डेफिनेटली इसका जो रेवोट्रॉन वाला इंजन है वो भी ले सकते हो। पर अगर आपने नेक्सॉन चलाई थी, आपको नेक्सॉन नहीं पसंद आया था इंजन, तो उस केस में अगर आपको कर्व पसंद आ गई, आपको कर्व लेनी है, तो हाइपीरियन इंजन लेना ज्यादा समझदारी होगी। डीजल इंजन भी आप ले सकते हो दोनों कार्स के, पर वो आपको अपने रिस्क पे लेना होगा, क्योंकि आपको पता ही है नितिन गडकरी जी की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं आए दिन, हमारी गवर्नमेंट के नए नए स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, तो कभी भी भाई डीजल कार के टैक्सेस हो गए या फिर डीजल की जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है या फिर और कोई न्यू लॉ आ सकता है। तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अपने रिस्क पे लेना जैसा भी आप फैसला लेते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से बेस्ट एडवाइसेस। आने वाले दिनों में हम इन दोनों कार्स के बारे में और वीडियो बनाएंगे, इन डेप्थ और बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।